Hare Krishna, and a very good morning, dear students. Students, in the previous class, I started the sixth chapter of English grammar, nouns, gender. Okay, gender ke baare mein humne padha tha, and we also did practice time 6.1. And in this exercise, we had to fill the correct noun gender in the blanks. Okay, and today we will do its 6.1b exercise. So, in this exercise, you have to match the masculine gender nouns with the feminine gender nouns. ठीक है? इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? Masculine gender nouns को feminine gender nouns से मैच करना है, right? यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है, उसमें masculine gender दिए हुए हैं, सेम यहाँ पर भी masculine है, एंड यहाँ पर सेकेंड कॉलम में कॉलम बी में feminine gender के नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है? So हमको masculine gender को feminine gender से मैच करना है, ठीक है? First word is wizard. विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, ठीक है? जादूगर तो मैस्कुलाइन जेंडर हुआ ना, तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? विजार्ड का होगा विच, जादूगरनी, ठीक है? तो इसके आगे हम नंबर वन लिख देंगे. आप स्टूडेंट्स जब इसको स्केल से मैच करेंगे, अगर जब आप इसको स्केल से मैच करें तो ध्यान रखिए, आप बिल्कुल आपकी प्रॉपर लाइन होनी चाहिए. आप फ्री हैंड इसको मैच नहीं करेंगे. यू विल पुट अ स्केल हेयर एंड देन यू विल मैच द word to its correct masculine gender, right? Second word is waiter. Waiter means आपको पता है, जो जब आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पर वेटर्स होते हैं. वेटर मीन्स इसका जेंडर क्या होगा? फेमिनाइन जेंडर, वेट्रेस. सो दिस इज द सेकेंड आंसर. ओके, थर्ड वर्ड इज ड्यूक. ड्यूक मीन्स होता है नवाब, राजा. ओके, एंड ड्यूक का फेमिनाइन होगा डचेस. This is the third answer. ठीक है, लॉर्ड. लॉर्ड यहां पर है, इसका फेमिनाइन होगा लेडी. फोर्थ, दिस इज द फोर्थ आंसर. जैसे लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी होता है ना, लैंडलॉर्ड. अगर कोई फीमेल अगर मकान मालिक है तो वो लैंडलॉर्ड कहलाता है, नहीं तो अगर कोई भी लेडी उस मकान की मालकिन है या किसी भी जगह की मालकिन है, सो शी इज कॉल्ड लैंडलेडी, राइट? पोएट, पोएट मीन्स कवि, और इसका फेमिनाइन जेंडर होगा कवित्री. सो पोएटस, दिस इज द फिफ्थ आंसर. ओके, गॉड भगवान, और उनका होगा देवी. सो This is the sixth answer, goddess. Man, man means आदमी. Man का वो क्या होगा? आदमी का masculine gender, feminine gender क्या होगा? Woman. So this is the woman is the seventh answer. Nephew, भतीजा, और इसका feminine gender होगा niece, भतीजी. तो भतीजी के लिए होता niece word होता है. Eighth. This is the eighth answer. Okay. Now we will see the second column. Baron. Baron का होगा baroness. ओके, बैरन का मीनिंग होता है अ वेरी पावरफुल बिजनेसमैन. ठीक है, तो अगर लेडी वो मेल है कोई पावरफुल बिजनेसमैन, सो ही विल बी बैरन, ही विल कॉल्ड बैरन. एंड इफ शी इज अ वुमन देन शी विल कॉल्ड बैरनस. ओके, सो बैरन का मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्या हो जाएगा? बैरनस. सो दिस इज द नाइन्थ आंसर, राइट? हायर, एच ई आई आर. हायर मीन्स होता है उत्तराधिकारी. ठीक है ना, उत्तराधिकारी. जैसे राजा का उत्तराधिकारी क्या होता था? उनका राजकुमार, कि राजा के बाद राज्य कौन करेगा? राजकुमार करेगा, उनको उत्तराधिकारी बोलते हैं. ओके, सो हायर का इसका वो क्या हो जाएगा? हायरेस. दिस इज द टेंथ आंसर. हायर का फेमिनाइन जेंडर होगा हायरेस. ओके, मॉन्क. मॉन्क मीन्स होता है साधु. मॉन्क का फेमिनाइन जेंडर होगा नन. इलेवेंथ आंसर. एक्टर का फेमिनाइन क्या होगा? एक्ट्रेस. एक्ट्रेस, सो दिस इज द ट्वेल्थ आंसर. ठीक है, बुल. बुल मीन्स होता है बैल. बैल का होगा गाय. फेमिनाइन जेंडर होगा गाय. ओके, सो बुल का आंसर क्या हो जाएगा? काउ. दिस इज द थर्टीन्थ आंसर. ड्रेक. ड्रेक इज अ मेल डक. ओके, मेल डक को बोलते हैं ड्रेक, और इसका हो जाएगा डक. ठीक है, ड्रेक का आंसर होगा डक. होती है फीमेल जो होती है उसको डक बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्टीन्थ आंसर. उसके बाद गैंडर का मीनिंग होता है राजहंस. ठीक है, गैंडर का मीनिंग होता है राजहंस. इसका होता है गूस. फिफ्टीन्थ आंसर. गैंडर का फेमिनाइन होता है गूस. ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा. इसका क्या होगा फेमिनाइन? दुल्हन. तो दुल्हन होगा ब्राइड.
ब्राइड ग्रूम का फेमिनाइन जेंडर होता है ब्राइड। ओके स्टूडेंट्स, इस वाली एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स आपको आपकी फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। आपको फेयर कॉपी में इसको किस तरह से करना है, सही आंसर जैसे विजार्ड के सामने आप इसमें तो आप मैच करेंगे उसको, ठीक है, बट इस वाली एक्सरसाइज को आपको चैप्टर नेम एंड नंबर डाल के, डेट डाल के, और आपको इस वाली एक्सरसाइज को फेयर कॉपी में, आपकी इंग्लिश टू फेयर कॉपी में आप इसको लिखेंगे कि विजार्ड का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, विच, तो आप विजार्ड के आगे आंसर लिखेंगे विच, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखेंगे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको आपकी फेयर कॉपी में सबसे पहले तो आप लेसन नंबर, लेसन नेम एंड डेट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ऐसे हेडिंग डालेंगे। इसका मैं आपको कुछ और पहले का एक्सरसाइज दूंगी, वो लिखने के लिए कॉपी में वो रहेगा, वो लिखने के बाद में आप मैस्कुलाइन फेमिनाइन ये लिख के, और उसके बाद विजार्ड इसका आंसर है विच, फेमिनाइन जेंडर, वेटर का आंसर है वेट्रेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपकी कॉपी में, तो ये मैंने टू वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, और जो भी वर्ड्स हैं सेम उसके मैस्कुलाइन जेंडर के आगे उसका आंसर लिखना रहेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से फेयर कॉपी में आपको ये वाली सारे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर आपको आपकी फेयर कॉपी में लिखकर उनको लर्न करना है। नाउ लेट अस डू इट्स सी एक्सरसाइज, फिल इन द मिसिंग कॉलम्स विद द करेक्ट मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउंस, ठीक है। आपको यहाँ पर टू कॉलम्स में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन टू कॉलम्स बने हुए हैं, और जहाँ पर जैसे मैस्कुलाइन लिखा है तो उसका फेमिनाइन नहीं लिखा है वो हमको फिल करना है, ठीक है। अगर फेमिनाइन दिया है तो उसका मैस्कुलाइन यहाँ पर नहीं दिया है, राइट, जैसे ये वाला यहाँ पर इसका फेमिनाइन नहीं दिया है तो हमको उसका फेमिनाइन यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मैस्कुलाइन है फेमिनाइन नहीं है वो लिखना है, और अगर फेमिनाइन दिया है और मैस्कुलाइन नहीं दिया है तो उसको फिल करना है, ओके। सो लेट अस सी मास्टर, मास्टर का मीनिंग होता है कि किसी भी काम में दक्ष व्यक्ति, मतलब बहुत ही होशियार, बोलते हैं ना कि बहुत मास्टर है इस काम में, बहुत मास्टर है, ठीक है। सो मास्टर का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस, एम आई एस टी आर ई डब्ल एस, मिस्ट्रेस, ओके। एबॉट, एबॉट का मीनिंग होता है मठाधीश, मठाधीश होते हैं जैसे जो साधु लोग जहाँ पर मठ में रहते हैं ना, आश्रम या मठ में जो साधु लोग रहते हैं तो उनमें जो उसका हेड होता है उनको बोलते हैं एबॉट, ठीक है। और इसका फेमिनाइन होगा एबेस, ए डब्ल बी ई डब्ल एस, एबेस, ठीक है। थर्ड वर्ड इज स्पिंस्टर, स्पिंस्टर वर्ड होता है कि जो जिस लेडी की शादी नहीं हुई होती है ना उसको स्पिंस्टर बोलते हैं, ठीक है, जो भी लेडी की नई शादी हो तो उसको स्पिंस्टर बोलते हैं। तो ऐसे मैन को क्या बोलेंगे, बैचलर, वो वर्ड होता है बैचलर, बी एस सी एच ई एल ओ आर, बैचलर, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज लैंडलेडी, लैंडलेडी का मैस्कुलाइन हमको लिखना है वो क्या होगा, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड, ओके। टाइगर, मैस्कुलाइन दिया है उसका फेमिनाइन हमको लिखना है, टाइगर मींस बाघ, और इसका फेमिनाइन क्या होगा, टाइग्रेस, टी आई जी आर ई डबल एस, टाइग्रेस, ओके। सेकेंड नेक्स्ट वर्ड इज लैस, लैस मींस होता है लड़की, और इसके लिए हो जाएगा लैड, एल ए डी, लैड, लड़का। हस्बैंड का फेमिनाइन होगा वाइफ, पीकॉक का, पीकॉक मींस मोर, और इसका मोरनी के लिए वर्ड क्या होता है, पीहेन, पी ई ए एच ई एन, पीहेन। और गवर्नेस का मैस्कुलाइन होगा गवर्नर, गवर्नर मींस राज्यपाल, और वो अगर लेडी है तो वो क्या हो जाएगा, गवर्नेस हो जाएगा इसका आंसर, ओके। नाउ ऑन पेज नंबर 22 वन एक्टिविटी इज गिवन, एंड इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, टेक क्लूज फ्रॉम द पिक्चर्स एंड कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड ऑन द कलेक्टिव नाउंस, ठीक है। ये कलेक्टिव नाउन के लिए पजल है, हमने कलेक्टिव नाउन अभी पढ़ा है ना प्रीवियस क्लास में, तो इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ ये हिंट्स दिए हुए हैं, क्लूज दिए हुए हैं, और आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ग्रेप्स का पिक्चर है, ये फिशेस हैं, एक किसी भी सी में फिशेस हैं, एंड दीज आर शीप्स, भेड़, एंड दीज आर पपीज, डॉग के बेबी, ओके। अब इनके लिए हमको कलेक्टिव नाउन लिखना है कि क्या होता है, जैसे पढ़ा था ना हमने कलेक्शन को शो करते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अंगूरों का गुच्छा, तो गुच्छे के लिए कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, गुच्छे के लिए बंच, बी यू एन सी एच, बंच, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे, ये दिया है डैश सी डैश ओ ओ एल, तो ये होता है स्कूल ऑफ फिश, जो फिश का ग्रुप जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, स्कूल। फिश के ग्रुप को बताने के लिए कलेक्टिव नाउन जो वर्ड होता है, कलेक्शन को शो करने के लिए जो वर्ड होता है वो था स्कूल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है पपीज, यहाँ पर ये एल आई डैश डैश ई आर,
तो ये होता है लिटर ऑफ पपीज। जब पपीज डॉग के बेबी के ग्रुप को बताना होता है ना, तो क्या बोलते हैं लिटर ऑफ पपीज। लिटर ऑफ पपीज का मीन्स हुआ पपीज का ग्रुप। और यहाँ पर ये शीप का झुंड है, तो शीप के झुंड के लिए वर्ड होता है हर्ड ऑफ शीप। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर बुक। पहले वाले पेज पर ये वाला और ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बोला है कि आपको बुक में भी आप इनको सॉल्व करेंगे, और सेम मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर्स जो है वो आपको आपकी फेयर कॉपी में भी नोट करना है। ओके, सो डू दिस वर्क प्रॉपरली विद वेरी ब्यूटीफुल राइटिंग एंड देन सबमिट मी द वर्क ऑन टाइम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।